एक वीडियो को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के केंद्र में आ गए हैं। दरअसल राठी ने हाल ही में बीप निर्यात पर एक वीडियो बनाया था जिसमें वह एक गाय के साथ नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट करने के साथ ही इस पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं देने लगे। तमाम सारे लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। कहते हैं दोस्त गाय और भैंस जैसे जानवर इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह यह भी बहुत सारे इमोशन फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या फिर डर लगना। लेकिन क्या आप यह जानते हो कि इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के डेटा से हमें यह पता चलता है कि देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का चंदा शिवसेना और 2 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को 2019 और 2020 में डोनेट किया है। उनके मुताबिक इस कंपनी का नाम अलाना ग्रुप है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द फ्रोजन हलाला बोनलेस बिफेलो मीट। दिलचस्प है कि अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट में इस पर 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था। वह आगे कहते हैं कि भारत बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तानाशाह को न तो इंसान और न ही जानवरों के इमोशन की पड़ी है। वह सिर्फ अपनी सत्ता और अपने पैसों का भूखा है। उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई है। ध्रुव ने अपने वीडियो में बीफ निर्यात की बात कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में वह गाय के साथ नजर आ रहे हैं। इसी बात पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। कुछ ने कहा है कि गाय और भैंस के बीच अंतर पता होना चाहिए, भारत से गौमांस निर्यात नहीं किया जाता। वहीं पर एक यूजर ने लिखा, राठी भैंस के मांस की खबर दे रहा है, वीडियो में गाय दिखा रहा है। इस सांप्रदायिक वीडियो की वजह से यह जेल जा सकता है। फिर ये रोएगा कि भारत में तानाशाही है, फेक न्यूज भी फैलाने नहीं दिया जा रहा। जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि भारत सरकार के नियमों के मुताबिक भारत से गौमांस एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, बैन है, ये पुराना नियम है। वहीं पर एक यूजर्स ने लिखा, ध्रुव राठी झूठ फैला रहा है, शातिर तरीके से वीडियो बनाकर अफवाह फैला रहा है। भारत से गौमांस एक्सपोर्ट पर पाबंदी है, परमिट ही नहीं जारी होता। फेक न्यूज फैलाने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, नहीं, भारत गौमांस का निर्यात नहीं करता, यह कानून के खिलाफ है, इसे लेकर RTI के तहत मिली जानकारी शेयर कर रहा हूँ। भारत जो बाहर भेजता है वह भैंस का मांस है, गाय और भैंस के बीच अंतर जाने। वहीं पर एक अन्य यूजर ने लिखा, अभी ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा, उसे साथ गाय और भैंस में अंतर नहीं मालूम। गौमांस बेचने के मामले में भारत दुनिया में कब से अव्वल हो गया। जिस कंपनी का नाम ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में लिया, वह कंपनी गाय का नहीं बल्कि भैंस का मांस एक्सपोर्ट करती है। ध्रुव राठी के पहले भी वीडियो पर हुआ था बवाल। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में PM मोदी को तानाशाह बताया था और हिटलर से तुलना कर दी थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको खरी खोटी सुनाई थी।